हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे फ्रेंड्स और स्वस्थ होंगे। तो इस समय फ्रेंड्स वे खांसी ही मुझे बहुत परेशान कर रही है, चाहे यहाँ बोलूं चाहे कहीं। तो जब भी बोलती हूँ ना तो मुझे खांसी आ जाती है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये शाम का ही टाइम है, तो जिस दिन मैंने घी बनाया था तो उसी को मैं इस शीशी में भर दूँगी। शहद वाली एक हम लोग के पास एक बॉटल है छोटी सी, तो उसी में ये सभी घी मतलब आ जाएगा। तो थोड़ा सा मैं ये लड्डू जो मेरा बच गया था ना, तो उसी को उसी में डाल दूँगी और बाकी मैं इसमें भर कर रख दूँगी। तो ये फ्रेंड्स ये घी है तो मेरे दोनों बच्चे खाते हैं, तो ये दो दिन के लिए ही होगा उनको। तो निकला तो थोड़ा सा ही है, तो वही हो गया, दो दिन ही चल जाएगा। फ्रेंड्स ये जो थोड़ा सा बचा था ना मेरा, जो अलसी के लड्डू में बनाई हुई थी तो वही रखा हुआ था। तो अभी जैसे किराना आया है तो गुड़ भी आया है, तो उसी को सब मैं कूट कर इसमें मिला दूंगी। क्योंकि इसे बांधने के लिए फ्रेंड्स मुझे ज़्यादा घी लगेगा अगर मैं गुड़ नहीं मिलाऊंगी। तो वही थोड़ा सा घी और तो ये थोड़ा सा ये गुड़ हो जाएगा तो बंध जाएगा ये लड्डू। तो चलिए मैं इसको बांध कर और मतलब इसको मिला कर रख देती हूँ। और इनके पापा है ना तो इसको ऐसे ही खा ले रहे थे, मतलब जैसे बांधा हुआ नहीं था, ऐसे बुरादा टाइप का था। तो फिर मैं उसको मिलाकर और बांध कर मैं रख दूंगी तो ये लड्डू के शेप में आ जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। तो ये मेरे जो बच्चे हैं ना तो इतना लड़ रहे हैं कि मेरा जो चेहरे का जो भाव है तो वही इनको डांट रहा है कि मत लड़ाई करो। बात बात पर लड़ते हैं तीनों बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। तो वही देखिए मैं इनको डांट रही थी और किसी को चुप करा रही थी, किसी को डांट रही थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरे ये लड्डू जो है तो बन गए हैं शाम को। और अभी जो है ना तो शाम ही हो गई है, पर जैसे किसी दिन ठंडी लगती है किसी दिन नहीं लग रही है, तो आज ठंडी उतनी नहीं है। फिर भी मैंने स्वेटर पहना हुआ है। और बेटी अंदर खाना बना रही थी, वही पनीर की सब्जी। तो और ये फ्रेंड्स मैं दो दिन बाद ही मतलब मैंने ये वीडियो बनाया है, और वीडियो पहले से ही बना हुआ रखा था। तो उसी दिन का है, वो बना रही है अंदर खाना और मैं अपना ये जो काम है ना वो कर रही हूँ। और इनके पापा अभी हैं नहीं, चले गए हैं घूमने, चाय पी कर और सब मतलब जो शाम का जो नाश्ता है वो कर कर। फ्रेंड्स ये देखिए मेरे ये लड्डू बड़ी मुश्किलों से बन गए हैं, क्योंकि लड्डू बनाने के लिए घी और मेवे बहुत ही ज़रूरी हैं, जो घी के लड्डू के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो वही मेरे पास कमी हो गई थी, तो घी भी नहीं था और गुड़ भी नहीं था, तो उसी कारण मेरा ये जो आधा अधूरा लड्डू ये रखा हुआ था, ये देख फ्रेंड्स बन गए मेरे अलसी के लड्डू। और इनके पापा वैसे भी गुड़ खाते रहते हैं, तो ये लड्डू हो गए एक आड़ हो जाएगा उनको गुड़ खाने का। तो चलिए फ्रेंड्स ये देखिए दूसरे दिन ये शाम का ही वीडियो है। तो वही मटर रखा हुआ था तो वही मैं छील रही थी कि मेरी बेटी जैसे रहती है ना तो वो रोज ही बोलती कि क्या मम्मी कुछ अच्छा सा बनाते हैं। तो वही आज बनाने के लिए मैंने ये मटर निकाला है, तो इसको छील दूंगी और फ्रेंड्स मैं इसको आधा ही छीलूंगी, जितनी मतलब मुझे ज़रूरत है। तो आज बनाएंगे वही पुलाव बनाएंगे मटर डालकर और अंडे की सब्जी बनाएंगे। और वो अभी दो तीन दिन में चली जाएगी, तो वही जो जो उसको खाना होगा तो खा लेगी। तो फ्रेंड्स अगर ये पूरा मटर अगर मैं छील कर रख दूंगी ना फ्रिज में तो मेरे बच्चे हैं तो वो दो दिन में ही साफ कर कर रख देंगे, इसलिए मैं आधा ही छीलूंगी जितनी मुझे ज़रूरत है और बाकी रख दूंगी। और जिनको खाना होगा तो वैसे खा लेंगे, अगर छिला छिला पाएंगे तो वो पूरा ही साफ कर जाएंगे। तो वही मैं आधा ही छीलूंगी इसको फ्रेंड, तो मेरे मतलब ज़रूरत भर को हो गया है मेरा ये मटर। तो चलिए फ्रेंड्स मैं उसको जैसे मदद है वो कर दे रही हूँ, लहसुन प्याज ये सभी मसाले मतलब बना कर मैं दे दूँगी। और इसको अभी पन्नी में नहीं रखूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि पन्नी में रखा हुआ था ना फ्रिज में तो ये जैसे गीला गीला टाइप का हो गया था, तो अगर नहीं सूखेगा तो फिर वो जो इसके ऊपर की परत है गलने लगेगी मटर की, तो थोड़ा सा हवा लग जाएगा तो वही सूख जाएगा, फिर मैं रख दूँगी इसको। तो चलिए मैं प्याज काट लेती हूँ और सभी मसाले उसको बना कर दे दूँगी।
तो बना लेगी खाना। तो फ्रेंड्स, मैं वैसे तो सिगड़ी नहीं लगाती हूँ, पर ये हीटर हम लोग के मतलब ठंडी के लिए बहुत सहारा रहता है। ये भले ही छोटा है और हम लोग की जो ठंडी है तो इसी में मतलब वो हो जाती है, ये हीटर तापने से ही। और ये रूम भी जो है ना गर्म हो जाता है इसी से। तो चलिए, फिर मेरा ये जो मसाला है मैंने लहसुन प्याज मतलब काट छील कर दे दिया है, तो बनाएगी वो मेरी बेटी। और चलिए, मैं कचरा वहाँ बाहर तो नहीं डालती हूँ, रात को कचरा रख देती हूँ वहाँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरे दिन का ही ये वीडियो है। तो मैं ये जो मूंग है ना फ्रेंड्स, ये बहुत दिन का मेरे घर में रखा हुआ था, तो मेरे को ना इसको दरने के लिए वो चकरी नहीं मिल रही है, तो ये ऐसे ही रखा हुआ है। और इसको सोच रही क्या करूँ, तो वही मेरे छोटे बेटे ने बोला है अभी मतलब कि मम्मी इसको जो वो जानता नहीं है ज़्यादा, तो बोलता वो जो हरी हरी दाल है ना तो उसको भिगो दो तो मैं खाऊँगा। तो वही मुझे मिल गया बहाना, और वही मैं इसको फुला कर रख दूँगी। और जैसे कपड़े में बांध कर रख दूँगी ना फ्रेंड्स, तो ये जैसे अंकुरित हो जाएंगे, ये मूँग खड़ी मूँग है जैसे, और चने, तो वही खा लेगा। और वह पहले खाए भी करता था फ्रेंड्स उसको, मतलब जैसे जो देखता था ना जैसे टीवी मोबाइल में, तो वही उसको मतलब खाने का अपना मन बनाता है। तो वही मैं फिर इसको वैसे ही बना दूँगी, तो इससे मतलब सभी लोग खा लेंगे, इनके पापा खा लेंगे, बड़े बेटा खा लेगा, मैं भी खा लेती हूँ। बहुत आड़ हो जाता है ये सब सवेरे से खाने का। तो चलिए, मैं नहा धोकर आ गई हूँ फ्रेंड्स। मेरे जो मूंग की दाल है वो मैंने बिन फटक लिया है, और मैं ये कपड़े धोकर मैं इनको डाल दूँगी। और जो मेरे व्यूवर्स हैं फ्रेंड्स, सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरा थोड़ा सा वीडियो वॉच करते हैं फ्रेंड्स, तो मैं उनको धन्यवाद बोलती हूँ। और जो मुझे थोड़ा सा भी सपोर्ट करते हैं, और जो मेरे नए पुराने व्यूवर्स हैं, तो मैं उनको धन्यवाद बोलती हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए, मैं अब कर लेती हूँ पूजा यहाँ की। और मेरी पूजा वह बहुत ही सिंपल होती है, मैं ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि जितना हो सके उतना ही मैं करती हूँ, जो जैसे सदा दिन चलता रहे। क्योंकि अगर मैं करती हूँ और फिर कभी जैसे कहीं चले जाती हूँ, तो मेरे बच्चे उतना नहीं करते हैं पूजा। तो वही मैंने दीपक जलाया है, अगरबत्ती जलाया है, और जो फूल तो इस समय तो देखने को नहीं मिलते फ्रेंड्स वैसे फूल। हाँ, मेरे घर में मतलब गेंदा के फूल लगे हुए हैं, बहुत सारे लगे हुए हैं, पर उनको तोड़ने मुझे इतना दया आता है, और इतना अच्छा भी लगता है कि कभी फिर खिलेंगे कि नहीं खिलेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे यहाँ गेंदा के फूलों को देखिए, और ये आपको छोटे दिख रहे होंगे पर ये हैं बहुत बड़े बड़े, ये देखिए। और कैसा लगा फ्रेंड्स आज का ब्लॉग? अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, फिर मिलूंगी एक अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।